अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत दिनों बाद कैमरे पे सामने और खुशी भी हो रही है, अजीब सी भी फील आ रही है ना, पता नहीं वीडियो पसंद आई नहीं है। ये है अब्दुल वासित खान, ये है दोस्त है हमारे। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेट्रो के अंदर सारे ना वो हैं जेंट्स मर्दाना डिपार्टमेंट। ये देख रहे हो शाहरुख खान की तरह जो खड़ा हुआ है वीडियो के अंदर, स्माइल करेंगे आप? मेरी ऑडियंस को भाई ये क्लिप काट देना। दुबई में मौजूद है और जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त की सेलिब्रेशन होती है बुर्ज खलीफा पे, क्योंकि लास्ट टाइम तो शायद कोविड की वजह से नहीं हो सकी, तो देखते हैं जाते हैं आपको एंजॉय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद अब्दुल वासित खान साहब, अब्दुल वासित भाई कराची से हैं और जॉब कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। हम खड़े हैं अपने एरिया में और जा रहे हैं, अभी बस का वेट करेंगे फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। तो रात में क्या दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ की रौनक लाजमी मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक एल्फी तो पता है ना पुरानी बात है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे हैं साथ एल्फी की तरह। बस स्टॉप पे खड़े हुए बस का वेट कर रहे हैं, बस आएगी 11 बजे, 10 मिनट है और अप्रोक्सीमेटली गूगल के हिसाब से हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 1.5 घंटे का है। वडेरे तो है नहीं कि लैम्बो वैम्बो खड़ी हो नीचे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेस्ट फिर आपको दिखाएंगे, अल्लाह करे मिल जाए हमें पाकिस्तानी फ्लैग बुर्ज खलीफा पे। बस का वेट करते हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने टैक्सी को बुक किया, कैब को। कैब में हमारे साथ मौजूद हैं दिलशाद अली शेर साहब, जो जिनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है, और अब्दुल वासित भाई पीछे बैठे हुए दिख रहे होंगे आपको, लेकिन जा रहे हैं अल्लाह करे मिल जाए टाइम पर पहुँच जाए, तो बस आपको भी दिखा देंगे सेलिब्रेशन और हम भी देख लेंगे। क्यों वाले ने अभी हम जा रहे हैं की तरफ और हम जगह लेंगे भाई से और निकलेंगे ठक 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 करते हुए। आज आपको दुबई की मेट्रो की भी सैर कराते हैं ना। मेट्रो के लिए नॉल कार्ड होता है जरूरी है, यहाँ पे प्रेस किया। हाँ यहीं से जाना है प्लेटफॉर्म 2 से। ये है अब्दुल वासित खान, ये है दोस्त है हमारे। मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे मेट्रो आएगी दरवाजा खुलता है, करंट मान लो तुम पहले हैं। इलेक्ट्रिक लोन तो नहीं आपको भाई? सारे खड़े हुए मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं, रश चेक करें आप। भाई ने हाई किया, वेव किया भाई ने, हेलो ब्रदर। ये लिखा हुआ है कि 2 मिनट में आ रही है मेट्रो, देखा अरबी आती है भाई बचपन से। ये देख रहे हो शाहरुख खान की तरह जो खड़ा हुआ है वीडियो के अंदर, ऐसे गरीब लोग हैं, इतनी तरक्की कर ली बगैर ड्राइवर के चल रही है। मेट्रो के अंदर इंसान के बच्चों की तरह कमीज पे खड़े हम दोनों। बात यह है कि वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेट्रो के अंदर सारे ना वो हैं जेंट्स मर्दाना डिपार्टमेंट, टाइम ज्यादा है ना, तो सारे बेचारे मजदूर मिस्त्री लोग हैं, मजदूर आदमी अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेडियम, नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन स्टेडियम, उसके बाद बहुत सारे स्टेशन क्रॉस करेंगे फिर पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, अल्लाह करे टाइम पे पहुंच जाए इंशाल्लाह। हमारे साथ काम इस क्रम भी ऐसा गंदा हुआ है ना, हमने जिस मेट्रो से ट्रांसफर लेने था वहाँ पहुँचे
वहाँ पे जाके हमने इंक्वायरी से पता चला कि जिस ऑटो में हमें जाना है वो 11 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद हमने अपनी जद्दोजहद करके, जैसे कायदा लगने जद्दोजहद करके दोबारा हासिल किया, ऐसे हमने जद्दोजहद करके उनके पास हासिल किया। तो हमें लेके जा रही है दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा बिल्कुल दुबई मॉल की एंट्रेंस में है। तो अल्लाह करे 11:30 ऑलरेडी हो चुका है, अल्लाह करे मिल जाए। ये टाइम हो गया है 12 बजे, कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने की। ये हमारा असासा कीमती, ये बच्चे भी वहीं जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं सब लोग। अब्दुल बासित भाई कहते हैं कि मैं बिल्कुल मजाक नहीं करता, मैं सीरियस रहता हूँ। भाई ऐसा ही है, बिल्कुल सीरियस रहता हूँ ना, हमने 1% की भी हंसी नहीं आती मेरे चेहरे पे। स्माइल करेंगे आप, मार देंगे मेरी ऑडियंस को भाई। ये इतनी पार्ट देना अब्दुल बासित भाई ने पूछा, छोटा सा सवाल दिखाते हैं आपको। चेक कर रहे थे ये उठता है नहीं उठता, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये बच्चों के लिए है, हमारी तो माशाल्लाह उंगलियां इसी में फंस जाएंगी ना, तो फिर मसला हो जाएगा। कसम खुदा की इस बस के अंदर वासिफ भाई फील आ रहा है कि हम दुबई में, बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है कि पंजाब के किसी शहर में घूमे। और सब उर्दू बोल रहे हैं ना, वो भी उर्दू भी ऐसी पंजाब वाली उर्दू, समझ तो गए होंगे आप, सारे शेर के चाहने वाले हैं। गाइस पहुंच तो गए हैं, लेकिन फील ऐसी आ रही है जैसे हमारे साथ भी प्रैंक हो गया। देखते हैं जाते हैं, कुछ नहीं तो बुर्ज खलीफा दिखा देंगे, पाकिस्तानी झंडा हम अलग से लगा देंगे वीडियो में, क्या कहते हो? वासिफ भाई क्या फील आ रही है? ये लग रहा है भारी हो गई है, लग के रहा है, मतलब अभी भी लग रहा है आपको? ये है दुबई मॉल, वेलकम वेलकम टू दुबई मॉल। फाउंटेन देख लेते हैं जाके, नहीं तो जो हम देखेंगे वो आपको भी दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे इतने सारे गरीब हैं बेचारे, सब 3 कैमरे वाले फोन यूज कर रहे हैं ना। ये सीढ़ी लेके जा रहा है बल्ला, मैं सीढ़ी रख के चढ़ूंगा। नहीं नहीं उसका गुस्सा खराब है तुम्हारा। ये रहा ना बुर्ज खलीफा, यानी बुर्ज खलीफा निकल गया तुम जाए। एकदम से सामने आ गया, डर गए हम। वासिफ भाई और हम जा रहे हैं, कैमरा हम इसलिए घुमा रहे हैं कि सामने से लोग भी आ रहे हैं तो उनसे टकरा गया तो मोबाइल गिर सकता है, और मोबाइल गिर गया तो फिर लंबा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान से बचने के लिए हमें मोबाइल लेना पड़ेगा। मेरी और मेरे दोस्त की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को जश्न आज़ादी की ढेर ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। 75 ईयर्स होगा ना माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क को दिन रात तरक्की अदा फरमाए, चोर डाकुओं से बचाए, अमीन सुमा अमीन, और हम साहब की अल्लाह पाक इबादत फरमाए। ये दुआ ज़रूरी थी क्योंकि वो एक ही बंदा है जो मुल्क के साथ लॉयल है, लेकिन दो के आवाम नहीं है ना, वो अकेला बंदा है, वन मैन आर्मी। एक बात सोची, यहाँ तक आए हैं तो अल बैग तो लाजमी है,
और सबको मशवरा दूंगा, कोई भी दुबई आ रहा है तो दुबई मॉल में अलबैग की जो फ्रेंचाइज खुली है उसको ज़रूर ट्राई करें। उनके चिकन नगेट्स स्पाइसी, उसमें तो ऐसा लगता है कि ना मुर्गी को मिर्ची खिला के बड़ा किया ना, अंदर तक इंजेक्ट किया हुआ था मसाला, क्लास टेस्ट। और इनके जो चिकन पीसेस है ना, चिकन रोस्ट के, बहुत सुपर क्लास, सुपर टेस्टी। अभी चिकन नगेट्स अवेलेबल थे क्योंकि लेट नाइट हो चुकी काफ़ी, तो उसी का हमने ऑर्डर प्लेस किया है, दोस्त को हमने अपने लाइन पे लगा दिया है। तो ऐसा है, उसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। ये टेंडर चिकन बिल्कुल इस तरीके से बेहतरीन, इसके अंदर सॉस जो इनके मसाले मौजूद होते हैं वो हैं। ट्राई करते हैं, बताते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी यहाँ लास्ट में ट्राई करें, कुछ लोग मिले उन्होंने बताया किसी कोई सीन हुआ है जिसकी वजह से उस शो को कैंसिल कर दिया गया है। एंड कर दूं? ठीक है सर, ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ। अपना अपने अजीजों का बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अपकमिंग एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में, जो कि बहुत कारामद होने वाला है उन लोगों के लिए कि जो प्लान कर रहे हैं दुबई आने के लिए फॉर जॉब हंट और एवरीथिंग। तो जुड़े रहा करें वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी। अपना अपने अजीज़ों का, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का और जो भी है ना सबका ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।